good morning students in this lecture we are going to discuss <coughs> chapter 21 which is civics chapter so we are already completed uh, history and geography to two chapters now your fifth chapter is democracy which is 21st chapter in civics your sst book so this is question number a Take द करेक्ट आंसर इसमें हमें टिक द करेक्ट आंसर को बताना था तो इसके आंसर ये हैं पहले का तमिलनाडु सेकेंड का ऑल ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू एस ए अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फिफ्थ है डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर फिलिंद द ब्लैंक्स में यह आपके आंसर रहेंगे और मैच द कॉलम में ये रहेंगे कि जो स्टैलिन थे वे कहाँ के थे रसिया के थे बी आर अम्बेडकर कहाँ के थे जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा कहे जाते हैं इंडिया के और हिटलर कहाँ के थे जर्मनी के और मार्टिन लूटर किंग कहाँ के थे यू के थे नाव ऑन क्वेश्चन नंबर डी द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ अब हमें ब्रीफ में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिटेल में डिस्कस करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हु वॉज मार्टिन लूथर किंग हमें इसमें बताना है कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे Earth. तो मार्टिन लूथर किंग जे आर ये यह यहाँ तक इनका नाम है वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन मतलब कि वो कैसे थे एक अमेरिका और अफ्रीका ये अफ्रीका और अमेरिका के मतलब अफ्रीकन थे और अमेरिकन तो की उनके तो पास नागरिकता थी मतलब वो थे अफ्रीकन बट उनके पास कहाँ पे रहते थे वो अमेरिका में रहते थे और उनकी नागरिकता उनके पास कहाँ की थी जैसे हमारे पास इंडिया की नागरिकता है उसी प्रकार उनके पास अमेरिका की नागरिकता थी मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट हु और वह मिनिस्टर थे और एक्टिविस्ट थे अर्थात जो मतलब हर एक चीज में आगे रहते हैं एक्टिविस्ट बिकम द मोस्ट विजिबल स्पोक पर्सन एंड लीडर इन द सिविल राइट मूवमेंट जो मतलब कब नजरों में आए मोस्ट विजिबल स्पोक पर्सन और लीडर कब निखर के आए कि जब सिविल राइट मूवमेंट उनके द्वारा चलाया गया कब और 1955 में जब उनके द्वारा सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया और अनोशिएशन इन अनटिल मतलब तब तक चला आएगा जब तक कि उनकी हत्या नहीं कर दी गई एसोसिएशन मतलब कि हत्या कर देना कब तक जब भी किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर की हत्या होती है तो उसे मर्डर नहीं बोलते हैं उसे एसन बोलते हैं तो उनकी एसोसिएशन कब हुआ था 1968 में हुआ था इज दैट क्लियर तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमें इसमें बताना कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है तो क्या होता है डेमोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी एक प्रकार का सिस्टम है गवर्नमेंट का कैसा सिस्टम है वेयर सिटीजन आर अलाउ टू पार्टिसिपेट जहां पर सिटीजन को अलाउ होता है पार्टिसिपेट करने के लिए इन द प्रपोजल एंड क्रिएशन ऑफ लॉ कि आप प्रपोजल मतलब दे सकते हैं कि आप राय दे सकते हैं कि सरकार को अपन जैसे यदि अपन सारी जनता हैं तो हमारे पास डेमोक्रेसी है तो हम क्या करते हैं सब एक होकर एक मत होकर यूनिटी बनाकर हम कोई भी बात रहते हैं तो यूनियन बनाकर हम सरकार के पास पहुंचा सकते हैं और एक लॉ बनाने के लिए उनको बोल सकते हैं इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट और एक डायरेक्ट डे, जो डेमोक्रेसी होती है डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तो यहाँ पर क्या दिया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन्स में क्या होता है वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन को टू क्रिएट लॉ वो लॉ बनाने के लिए अर्थात नियम कानून बनाने के लिए ऑन देयर बिहाफ वह अपने बिहाफ पर जैसे कि हम अपने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम कैसे करते हैं कि मतलब रिप्रेजेंट हम अपने रिप्रेजेंट को जैसे कि नेता होते पॉलिटिकल तो उनके लिए हम कैसे करते हैं उनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं हर जगह से डेट क्लियर नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु लेट द सिविल राइट मूवमेंट हमें बताने कि सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी किसके द्वारा की गई थी तो सिविल राइट मूवमेंट वॉज लेट बाय शुरुआत की गई थी पीपल लाइक किसके द्वारा किन किन के द्वारा की गई थी मार्टिन लूटर किंग ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्टिन लूटर किंग ने सबसे पहले की थी फिर तो और किसने किसने की थी द लिटिल रॉक ने की थी नाइन एंड मैनी अदर ने की थी इज दट क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हु आर सोसाइटी एंड सिटीजन इंटरलिंक्ड इट मीन्स हमें बताना है कि जो सोसाइटी है और सिटीजन है तो सोसाइटी और सिटीजन्स को इंटरलिंक्ट कौन करता है इनके मतलब मध्यस्थता कौन कि, किसके द्वारा सोसाइटी और सिटीजन्स के बीच मध्यता मध्यस्थता रखी जाती है क्या बोलते हैं इंटरलिंक्ट तो सिटीजन्स एंड सोसाइटी मस्ट सपोर्ट वन अनादर टू मैनेज द पॉवर्टी सिटीजन्स को अर्थात नागरिक को और सोसाइटी जो हमारा समाज होता है उसको सपोर्ट करता है किसके द्वारा यह सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को जो हमारी गरीबी है और गरीबी से रिच वेलफेयर अर्थात के कल्याणकारी राज्य की तरफ जाने के लिए जो एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा और सोसाइटी ट्राई टू फुलफ़िल और जो सोसाइटी है जो समाज है वह उसके बेसिक नीड्स जो होती हैं बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है बाय इंप्लीमेंटिंग देयर लोकल विजडम जो इंप्लीमेंट करता है उनके लोकल विजडम के थ्रू डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होते हैं उसके कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं तो देयर आर मैनी अदर सिस्टम यहाँ पर कई प्रकार के सिस्टम होते हैं किसके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इन द वर्ल्ड टुडे हमारे आज के समय में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं तो फर्स्ट कैसा है मनारची सेकेंड डिक्टेटरशिप यह आपका ब्रीफ आंसर है इसलिए इसमें आपको दो पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है और इसी क्वेश्चन के आंसर को आपको जो डिटेल क्वेश्चन में उसमें आपको इसके सारे पार्ट को डिस्कस किया जाएगा जेट क्लियर तो मोनार्की क्या होता है मोनार्की इज़ जनरली हेरिडिटी मोनार्की क्या होता है एक हेरिडिटी होती है वैन द मोनार्की डाई जैसे एक मतलब मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा बनता है फिर यदि वह खत्म हो जाता है तो उसी की फैमिली से किसी दूसरे को राजा बना दिया जाता है फिर वह राजा खत्म होता है तो उसी की फैमिली से किसी और को राजा बना दिया जाता है यह क्या कहलाता है मोनार्की कहलाता है तो यह कैसी चलती है हेरिडिटी चलती है एक ही फैमिली में ट्रांसफर होती जाती है व्हेन द मोनार्क डाई यूजली द एलडेन जो उसका बड़ा बेटा है ऑफ द मोनार्की ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट रूलर तो वह अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है रूलर बन जाता है उस कंट्री का इज दैट क्लियर नाउ डिक्टेटरशिप इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पावर टू रूल रेस्ट विद द वन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि यह एक इस प्रकार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जिसमें एक ही मतलब कुछ एक ग्रुप होते हैं उनके द्वारा ही डिक्टेट किया जाता है पूरे कंट्री को उन्हीं उसी ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है दैट वॉज योर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ट्वेंटी फर्स्ट ओके आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन की पिक क्लिक मतलब क्वेश्चन आंसर की पिक लिख कर आपको नोट्स की नोट्स में लिख कर आपको पिक क्लिक करके नोट्स की आपको ग्रुप में सेंड करना है ओके okay? थैंक्स